नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN3। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के गांधी स्टेडियम में आज बड़े ही धूमधाम के साथ मुख्यमंत्री विवाह समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दूं, जिसमें 1800 जोड़ों का विवाह सकुशल संपन्न कराया गया। प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच शादियां सकुशल संपन्न हुई। हर जोड़े को 35,000 रुपए की धनराशि दी गई और तो और शादी में इस्तेमाल किए जाने वाला सामान भी भेंट किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलक, शहर विधायक आकाश सक्सेना, अपना दल एस के स्वार टांडा विधायक शफीक अहमद अंसारी, टांडा नगर पालिका चेयरमैन हाजी सरफराज सहित जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह, SP विद्यासागर मिश्र ने सभी नए जोड़ों को आशीर्वाद दिया। क्या कहेंगे, कितने जोड़े जो हैं? मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ और उनके साथ साथ हमारे यहाँ जिले के प्रशासन ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है पूरे अधिकारियों ने कि 1843 जोड़ों की शादी के लिए बहुत सारे अच्छे ढंग से कराने का। मैं यहाँ के मेरे जो प्रशासन है उनको बधाई देना चाहता हूँ, DM को, CDO को और जो भी अधिकारी इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में आज सामूहिक विवाह हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़ी संख्या में कभी ऐसी सामूहिक शादियाँ हुई हों और वो भी बहुत अच्छे इंतजाम के साथ हुई हों। तो मैं प्रशासन को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सामूहिक विवाह चल रहे हैं, जोड़े चल रहे हैं सभी समाज के, आज मैंने देखा है चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे ईसाई समाज हो, सभी के जोड़ों के जोड़े थे और बड़े अच्छे ढंग से उनका इंतजाम और बड़े अच्छे ढंग से उनका शादी का कार्यक्रम दिखाया गया है। अच्छा, इसमें क्या क्या उपहार मंत्री जी दिए जा रहे हैं? 31,000 के तो हम लोग जो है उनको एक मुश्त उनको चेक जाता है और 10,000 के करीब उनको जो भी लड़की के सामान होता है, जो भी चाहे पजेब हो चाहे और कोई सामान हो, और ये सारा इतने बढ़िया ढंग से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रहा है। पहले आप देखते थे क्या था, होता क्या था, कितने पैसे थे, आज उन्होंने सीधा जब उन्होंने सत्ता संभाली तो 51,000 के करीब उन्होंने किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सारे लोग आज इतनी संख्या क्यों निकलते आए, सामूहिक शादी में क्यों निकल के आएंगे, उन्हें लग रहा है कि सारे धर्मों का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनका सम्मान हो रहा है। नहीं तो पहले एक समाज आता था, दूसरा नहीं आता था, तीसरा नहीं आता था, आज सारे समाजों के सामूहिक का मतलब क्या, मुख्यमंत्री सामूहिक ब्याह का मतलब कि सारे समाजों के समूह के साथ यहाँ पर शादी, और सारे हमारे विधायक हो रहे हैं, हमारे जिले के जितने भी अधिकारी DMSP से लेके CDO से लेके और जो इस व्यवस्था से जुड़े हुए सारे अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत के साथ ये कार्यक्रम किया। मैं बधाई दूँ नेत्रहीन को भी, आपने आशीर्वाद दिया। आज पहली दफ़ा मेरा, मैं कम से कम 17 से लगातार सामूहिक शादियों में मैं शामिल होता हूँ। मैं रामपुर के जब भी शादियों का कार्यक्रम हुआ है तो आज मुझे बड़ी खुशी भी हुई है। ये तो भगवान की देन है कि भाई वो आज मतलब उनकी आँखें उसमें नई रोशनी नहीं है, पर फिर भी दोनों जोड़े यहाँ पर शादी हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनके हम शादी समारोह में शामिल हुए। और मन को अच्छा लगा कि एक बेचारे ये बैठे जिनकी हम लोग ऐसे कौन नहीं तो कौन करता है, कौन लड़की होती, कौन लड़का होता है, आज हम जितने सब लोग उनको अपने बधाई भी देने आए हैं, उनकी शादी में शामिल भी हुए, ये बड़े खुशी का। मंत्री जी, आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने बीच में जो दलाल थे उनका सिस्टम ख़त्म कर दिया, ऑनलाइन करा दिया, सारा कुछ ऑनलाइन करें, उसके लिए क्या? 17 से पहले क्या था, 17 से पहले ये था कि ब्लॉक वाइज लिस्ट बनती थी और उसमें विधायक को कहा जाता था कि आप 5 नाम दे दीजिए, आपके 2 नाम रख लेंगे, आपके 5 नाम रख लेंगे, ये था। तो उसमें 5 आदमी कौन से होते थे, जो बीच के लोग थे वो तय कराते थे उनसे, जो भी उनको शादी हो जाती थी, बच्चे हो जाते थे, पैसा नहीं मिलता था। आज शादी हुई है, आज ही उनके खाते में ड्राफ्ट गया होगा, आज ही उनको एकदम सामान मिल रहा है, ये माने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। तो माने दलालों का सुपड़ा साफ, आप देखिए 17 से बाद तो सारी सब जगह साफ है ना, ये तो सामूहिक शादी है, लोग यहाँ भी बख्शते नहीं थे, अब तो सब जगह साफ है। ऑनलाइन होने के बाद ही मंत्री जी काफी सारे लोग ऐसे देखे गए जो अपात्रों ने भी इसका लाभ लिया, तो उनके खिलाफ क्या चार्ज कराई जाए? देखिए, मुझे नहीं लगता कोई अपात्र है, क्योंकि बहुत जगह से स्क्रीनिंग हो गया। मैं आपको बता,
ये बहुत जगह से स्क्रीनिंग होती है, फॉर्म आता है, ब्लॉक से आता है, उसको वेरीफाई प्रदान भी करता है, फिर कहीं जिले स्तर पर आता है। जब जिले स्तर पर इतनी बड़ी स्क्रीनिंग के बाद आता है तो मुझे नहीं लगता कहीं भी गलत। देखिए पहले प्रधान होता है, ब्लॉक होता है, नगर पालिका होती है, फिर शायद यहाँ आते हैं, तो इतनी बड़ी स्क्रीनिंग के बाद छंट के ये लोग आते हैं। और देखो ऐसा नहीं कहना चाहिए, वही लोग आता है जो जिसकी इच्छा होती है कि मैंने एक सामूहिक विवाह में शादी करनी है, और जो समझ चुका था कि आज कैसे हम लोग सारे लोग यहाँ पर हैं, कौन जाता है। आज भी मुझे जगह जगह 10 शादी में जाना है तो कहीं 10 शादी में नहीं भी जा पाते। आज हम 1843 जोड़ों की शादी में यहाँ सब लोग इकट्ठे हो गए, तो उनको आशीर्वाद दे दिया। तो ये सारी बातें ऐसा नहीं सर, एक सेकंड तुम अब अरे एक सेकंड।